नमस्कार। कलयुग प्रथम चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कहीं भी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दें। स्वास्थ्य वाली ध्यान जो योग्य बातें हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसी वस्तु का मैं वीडियो दे रहा हूँ जो किसी न किसी वक्त सबके घर इसकी आवश्यकता आ जाती है। तो यह कौन सी चीज़ है दोस्तों? अगर आप किसी सामान को, सोने हो, चांदी हो या कोई भी जमीन जायदाद, अगर आपने गिरवी रख दिया किसी सेठ के पास, किसी धनी मनी पैसे वाले के पास, या अपना जेवर गहना आपने बंधक रख दिया, तो गिरवी रखी हुई या बंधक रखा हुआ सामान आदमी रखने के लिए रख देता है लेकिन वह छूट जल्दी नहीं पाता है। तो वह जो है गिरवी रखी हुई या बंधक रखी हुई सामान को छुड़ाने के लिए यह टोटका दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप कोई सामान या वस्तु बंधक रख दिए हैं और आप उसे छुड़ा नहीं पा रहे हैं, सोचते कुछ और हो जाता है लास्ट में कुछ और, तो उसको जो है छुड़ाने के लिए इस टोटके को जरूर कर लें। तो आप जो है प्रातःकाल सुबह उठते ही उसी बेड पर बैठे बैठे 31 बार जप करना है। उस व्यक्ति का जप करना है, उस व्यक्ति का नाम लेकर जहां आपने गिरवी सामान रखा है या अपने वस्तु का नाम कि मैं फलाने फलाने वस्तु रखा हूं। तो यह दो जो है इसमें जपने वाला जगह है, यह जगह आप खुद चुन सकते हैं कि हम उस व्यक्ति का नाम लेकर जपें या आपने गिरवी रखी हुई बंधक रखी हुई वस्तु का नाम लेकर जपें। यह दो जो है शब्द है, इसमें से कोई एक आपको नाम लेके जपना है। प्रातःकाल सुबह उठते ही उसी बेड पर बैठे बैठे जपना है। तो दोस्तों, यह जो है क्रिया कुछ दिन तक आप करते रहें तो आप जो भी गिरवी वस्तु रखे हैं या सामान रखे हैं या बंधक रखे हैं उसका जो है आपसी आने के लिए आपके हाथों से संयोग्य बन जाता है। तो दोस्तों, एक बार और सुन लीजिए, अपना गिरवी सामान छुड़ाने के लिए, आसान बनाने के लिए प्रातःकाल नींद खुलते ही इस टोटके को 31 बार उस व्यक्ति का नाम या उस वस्तु का नाम लेकर प्रातःकाल नींद खुलते ही जप कर लेना है। यह क्रिया कुछ दिन करते हैं तो आपका बंधक सामान गिरवी रखा हुआ वापस आने का योग बन जाता है। तो दोस्तों, आप इससे ज़रूर लाभ उठाएं और आप कहीं भी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।